आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सिंगापुरी राइस बनाने की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने चावल लिया है। 3 कप चावल थे जिसे मैंने बॉईल कर लिया है ज़ीरा और नमक डाल करके, और चावल को बिल्कुल कंप्लीट कुक करना है, ठीक है। अच्छा, स्पैगेटी को मैंने नमक और ऑयल डाल करके इसे मैंने कुक कर लिया है, और फिर इसे जब ये कुक हो गया था इसे मैंने ठंडे पानी से गुजारा ताकि ये आपस में चिपके नहीं। है देखिए बिल्कुल ये अलग अलग है। चलिए, अच्छा अब इसके लिए जो मुझे चिकन बनाना है, चिकन के लिए यहाँ मैंने 1 कप भर के चिकन लिया है। इसे मैंने इस तरह से लंबाई में कटिंग स्ट्रिप में कटिंग कर ली है, ठीक है। और इसके लिए मैंने प्याज लिया है 1 टेबल स्पून, इसे मैंने चॉप कर लिया था। नमक लेना है हस्बे ज़रूरत। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। चिली सॉस 2 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर 1 टी स्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे ऑयल जाएगा इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसके लिए मुझे सॉस जो बनाना है, सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप भर के केचप लिया है, और मायोनीज लिया है 1 कप भर करके, और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे सिरका लूँगी, और इसमें इसको मिला के इसका सॉस बनाऊँगी। जब मैं बनाऊँगी तो फिर इसकी वीडियो आपको दिखाऊँगी। चलिए अब आते हैं इसकी सब्ज़ी की तरफ। सब्जी में मैंने यहाँ पे लिया बंद गोभी लिया है, यहाँ पे मैंने 1 कप भर करके इसे मैंने कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे शिमला मिर्च लिया है मैं, ये भी 1 कप भर के लिए। गाजरें ली है मैंने, कम ली है। जो ये गाजरें वैसे आप अपनी मर्जी से जितनी भी सब्जियाँ डालें इसमें, जितनी क्वांटिटी में डालें, क्योंकि मेरे बच्चे जो कि कम लाइक करते हैं इसलिए मैंने ज़रा कम गाजरें ली हैं, ठीक है। अच्छा, सोया सॉस लिया मैंने 2 टेबल स्पून। चिली सॉस 2 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर 1 टी स्पून। और यहाँ पे मैंने ये चॉप की हुई लहसुन ली है, ये भी 1 टेबल स्पून है। नमक हस्बे ज़रूरत लिया है, और ऑयल इसके में भी जाएगा 1 टेबल स्पून। चले अब मैं आती हूँ इसके बघार के लिए। बघार के लिए मैं यहाँ पे लिया है मैंने, ये देखें, मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है, और लहसुन को मैंने इस तरह से लंबाई शेप में कटिंग कर ली है। हरी मिर्चों को मैंने कटिंग कर ली है, और इसमें मैं बघार लगाऊंगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी इसमें। चलिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसके चिकन को कुक करने के लिए चलती हूँ, और चलिए चलते कुकिंग की तरफ। पतीली मैंने ऑयल डाल दिया था, और ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अभी से मैं प्याज डाल रही हूँ, और प्याज को मैं हल्का सा बिल्कुल सौते करूँगी। प्याज का ये हल्का सा सिर्फ कलर चेंज होगा, फिर इसमें मैं चिकन डालूँगी, ठीक है। ये देखिए प्याज सौते हो गया है, इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है, साथ में इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। और जब तक इसका कलर चेंज होगा तो इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं ये डालूँगी सोया सॉस, चिली सॉस, और ये ज़ीरा पाउडर, ठीक है, ये काली मिर्चों का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत डाल करके इसे मैं मिक्स करूंगी, और इसे चलाऊंगी, और इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाए। चल अब मैं इसे ढक देती हूँ, ठीक है। 10 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए इसमें मैंने 1 चम्मच पीसी मिर्ची भी डाली थी, जो कि मैं आपको इंग्रेडिएंट से बताना ही भूल गई थी। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। बस इतनी थोड़ी सी हमें ग्रेवी रखनी है, इसे हल्की सी इसी में उतारना है, बहुत खुश्क नहीं करना है इसे, ठीक। अब इसके सॉस बनाने के लिए ये देखिए मैंने एक बाउल में ये केचप डाला, मायनीज को इसमें डाला, और
और वन और ये टू टेबल स्पून सिरका डाल के इसे मिक्स कर दिया। बस ये इसका हो गया सॉस रेडी। ये देखिए ये सॉस तैयार हो गया है। अब हम इसकी सब्जियां रेडी करेंगे। सब्जियां रेडी करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डाला है और उसमें ये मैं चॉप किए हुए लहसुन डालूंगी और इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूंगी। और इसे फ्राई करने के बाद इसमें फिर मैं ये सारी सब्जियां जो हैं ये एक एक करके डाल दूँगी। लहसुन का बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होगा और इसमें मैं अब सब्जियां डाल दूँगी। ये देखें, चलो सारी सब्जियां डाल करके इसे मैं अब थोड़ा सा चलाऊंगी। उसके बाद इसमें सारे सॉसेस जो हैं ये डाल दूँगी और ये बस ये थोड़ा ही सही कुक होगा, ये बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं होगा। ये देखिए इसमें मैं चिली सॉस, सोया सॉस, काली मिर्चें और ये नमक हसबे ज़रूरत, ठीक है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है और डाल करके इसे बस 5 मिनट तक इसे फ्राई करना है। ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना है इसका, ये इसे इसी तरह से फ्राई करना है और ये सब्जियां रेडी हो जाएंगी। फिर ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसे मैं इस तरह मुसलसल चला रही थी। अभी सब्जियां भी रेडी हो गई हैं। अब हम चलते हैं इस अम्बलिंग की तरफ। ये देखिए सिंगापुरी राइस के लिए सारी चीज़ें रेडी हैं। चावल भी बॉइल्ड है, चिकन भी रेडी है, स्पैगेटी भी रेडी है, वेजिटेबल भी रेडी है और सॉसेस भी इसकी रेडी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जिस सर्विंग डिश में हमें ये सर्व करना है उसमें चावल डालेंगे, उसके बाद स्पैगेटी उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। स्पैगेटी लिया और उसे इसे इस तरह से इसके ऊपर डालना है। डाल दिया हमने, कोई बात नहीं। अब उसके ऊपर ये हम सब्जियां डालेंगे। सही सही से स्प्रेड कर दें ताकि ये चारों तरफ आ जाए, ठीक है। उसके ऊपर ये चिकन डालेंगे। इस पे ये सॉस डालेंगे। ये देखिए सॉस को चारों तरफ सही से डालना है। सॉस की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये सारी चीज़ें डाल दिया इसमें। अब इसमें जो लास्ट सबसे प्रोसेस है इसका बघार है, जो लहसुन और हरी मिर्चों से इसका बघार लगाएंगे। तो चलिए अब इसका लास्ट प्रोसेस करते हैं। इसका बघार तैयार करके लाती हूँ और इसमें बघार लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए बघार के लिए पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था और ऑयल मेरा बहुत अच्छा गर्म हो गया है। इसमें मैं अब ये लहसुन डाल रही हूँ और साथ में ये मिर्चें डाल रही हूँ। बस अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। ये देखिए बघार तैयार है, इसमें मैं बघार लगाऊंगी और ये बस तैयार हो गया सिंगापुरियन राइस। ये भी इसका बिल्कुल लास्ट प्रोसेस था। ये देखिए ये मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस तैयार है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।